करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा ने गोरखपुर के एक लड़के जय कुमार व उसके एक साथी फूलचंद को गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने करनाल में 8 चोरी की वारदातें कबूल की हैं, जिनसे लाखों रुपए नकद और बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया है। यह शातिर चोर सभी वारदात हुड्डा सेक्टर में करते थे। ये दिन में रैकी करते और जिस घर में अखबार पड़ा हो या लॉक लगा हो उसकी पहचान करते और रात को इनका साथी जय कुमार अकेला चोरी करता था। रात को फाली व पेंचकस से दरवाज़ा तोड़ता, घर में कैश गहने चुरा कर घर के DVR को तोड़ देता था। करनाल पुलिस के डिटेक्टिव स्टडी ने इनके पास से भारतीय करेंसी के 14,12,141 रुपये, ऑस्ट्रेलिया के $100, 340 यूरो, 20 तोले सोना, 2.5 किलो चांदी और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। आखिर कैसे ये शातिर करते थे वारदात, बता रहे हैं हरजिंदर सिंह, इंचार्ज डिटेक्टिव स्टाफ करनाल। कैश और ये सामान बरामद किया, क्या मामला है? SP साहब के दिशा निर्देशों अनुसार हमारी टीम ने 4 सितंबर को एक गोरखपुर का एक लड़का है जय कुमार सन ऑफ धर्मवीर और उसके एक साथी फूलचंद को अरेस्ट किया था और जिन्होंने करीब 8 मुकदमे कबूल किए हैं और ये जो 8 के 8 मुकदमे गृह भेदन के हैं और सभी सेक्टरों में ये रैकी करते थे। दिन में इन्होंने रैकी करना, जैसे किसी भी घर में अखबार पड़ी या न्यूज़पेपर पड़ा रहता था बाहर जो नहीं उठाते या लॉक देखते थे जिस घर में लॉक है उस घर को ये टारगेट करके रात के टाइम ये अकेला आदमी चोरी करता था जय कुमार नाम का। रात को दरवाज़ा तोड़कर एक फाड़ी का और पेचकस का यूज़ करके दरवाज़ा तोड़कर घर में जो कैश ज्वेलरी या DVR भी होता था उसको भी उतार के ये देता था, जिसे हमारी टीम ने जो हेड कॉन्स्टेबल जमशेर की अध्यक्षता में हमने एक टीम गठित की थी उस टीम ने 4 सितंबर को इसे अरेस्ट किया था और उसके बाद इसे रिकवरी जो हमने करीब जो इंडियन करेंसी है 14,12,141 रुपीज़ इंडियन करेंसी, इसके अलावा डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो हैं और उसके अलावा गोल्ड है और सिल्वर है जो करीब 2 से 2.5 किलो है और उसके अलावा वॉचेज़ हैं और मोबाइल फ़ोन है जो हमारी टीम ने रिकवर किया है। ये हमारे पास रिमांड भी था, आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जुडिशल भी। कितने की रिकवरी है सर? रिकवरी करीब 14-8 केसेस की रिकवरी है, 14,12,141 इंडियन करेंसी है और डॉलर है, हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यूरो है, उसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है और वॉचेज़ हैं और मोबाइल फ़ोन है। ये सुबह दिन में गली में या जैसे सेक्टरों में घूमता था और घर देखता था, जो घर लॉक है या जिस घर में न्यूज़पेपर पड़ा है वो न्यूज़पेपर उसने उठाया नहीं, 2 दिन का लगातार न्यूज़पेपर पड़ा है, उस घर को टारगेट करके रात को ही अकेला एक इस ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। पहले भी कोई मामले दर्ज है? पहले भी इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है, जेल रह चुका है, जेल से आके फिर यही काम करता है। कौन कौन से सेक्टर के मामले हैं? ये मोस्टली सेक्टर 6, 7 और 9 सेक्टर के। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसे रिमांड पे था, आज इसका रिमांड खत्म हो रहा है, इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जुडिशियल भेजा जाएगा। सर अकेला नहीं है ये, इसके और भी साथी हैं? इसका एक रैकी अकेला करता है, चोरी अकेला करता है, एक साथी और जो इसका सामान बिकवाने में इसकी हेल्प करता था या बेचता था, एक और साथी है इसका। सामान चोरी करके मिट्टी में दबाता था, मोस्टली ये पार्क वगैरह या जो ग्रीन बेल्ट है इन एरियो को चूज करता था, वहीं दिन में रहता रैकी करके वहीं बैठता था और जो सामान भी है ये एक डिब्बा है जिसमें ये सारा सामान डाल के इसने धरती में दबा कर। आखिरी वारदात कब की है सर? मार्च 2021।